मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम। आज 108 दिन में से 45वें दिन का पाठ, 45th डे ऑन 1st June 2020, 6th मंथ ऑफ द ईयर, द ईयर हैज ऑलरेडी इन द मिडल 50% गॉन। ऐसे ही समय गुजर जाता है, इसलिए प्रभु का नाम लेने के लिए समय का इंतजार मत कीजिए। वही घड़ी सुघड़ी है, वही दिन सुदिन है और वही मुहूर्त अच्छा है जब हम प्रभु का नाम लें, इसलिए इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जो कुछ है बस आज में ही है। उम्मीद है आप सभी अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे प्रभु की कृपा से। तो दोहा संख्या 114 से या 114 से अयोध्या कांड में हम आगे आज का पाठ करेंगे। नमन है हमारे सारे रियल वॉरियर्स, रियल हीरोज को, जो इस वक्त कोविड-19 से लोहा ले रहे हैं, उन सबके लिए विशेष प्रार्थना प्रभु के चरणों में। और आइए बजरंग बली का ध्यान करेंगे, क्योंकि जहाँ भी राम कथा होती है बजरंग बली किसी न किसी रूप में अवश्य होते हैं। प्रणव पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगा बसहि राम सर चाप धर। दासो हमको श्रेन्द्रस्य रामस्या कृष्ट कर्मणः, हनुमान शत्रु से ज्ञाना निहंता मारुतात्मज। ओम नमो हनुमते भय भंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षे विद्यावदेहि नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। प्रभु वन के अंदर पहुंच गए हैं, निषाद राज गुह को भी वापस भेज दिया है और चित्रकूट की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु भगवान माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ जंगल में चल रहे हैं, तो जहां कहीं भी छोटी छोटी बस्तियां हैं, गांव वाले हैं, कोल किरात वगैरह हैं, तो वो प्रभु के दर्शन करके अत्यंत सुख को प्राप्त हो रहे हैं और सब अनुनय विनय करते हैं। कहीं कहीं पत्तों का और नर्म घास का आसन बना करके प्रभु को कहते हैं कि थोड़ी देर बैठ जाइए, सुस्ता लीजिए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आगे चले जाइएगा। चाहे तो आज चले जाइएगा या कल चले जाइएगा, चाहते हैं कि प्रभु रुक जाए। और जब तक उनके मुख का दर्शन होता रहे तब तक वो करें।
अमंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। एक कलसी भरी आ नहीं पानी अचय्य नाथ कहीं मृदु वाणी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी राम कृपाल सुशील बिसेखी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सीय मन माही घरिक विलंब कीन बट छाही। मुदित नारी नर देखहिं शोभा रूप अनूप नैन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहही चहोरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन भी मोहित हो जाते। दामिनी बरन लखन सुठिनी के नख सिख सुभग भावते जी के। मुनिपट कटिन कसे तू नीरा सोहि कर कमलनी धनु तीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर है और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वल्कल आदि वस्त्र पहने हुए हैं और कमर में तरकश कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे। जटा मुकुट सी सनी सुभग उर्भुज नयन विशाल शरद परब विधु बदन बर लसत स्वेद कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं। वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरनी न जाय मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लखन सिय सुंदर ताय सब चित वही चित मन मति लाय। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपनी बुद्धि से मनुष्य की बुद्धि से प्रभु के शोभा का भगवान राम के श्री लक्ष्मण जी की माता जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं कर सकता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पिया से मन हुमरगी मृग देख दिया से। सीय समीप ग्राम तिय जाय पूछत अति स्नेह सकुचाय। प्रेम के प्यासे वे गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गाँव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए कहीं बचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी बिनय हम करहीं ये सुभाए कछु पूछत डरहीं। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहजी सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी हम विनती करती
कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय छम भी हमारी, बिलगु न मानव जानी गवारी। राजकुमार दऊ सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी ढिठाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं। श्यामल गौर किशोर बर सुंदर सुखमायन, शरद सरबरी नाथ मुखु शरद सरोरु नयन। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम हैं। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुनकी कहु को आहि तुम्हारे। सुनि सनेह मैं मंजुल बानी, सकुची सिय मन मुह मुसुकानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले, ये तुम्हारे कौन हैं, तुम्हारे कौन लगते हैं? माता सीता से सीधी साधी गांव की भोली स्त्रियां पूछ रही हैं कि ये दोनों सुंदर राजकुमार जैसे दिखने वाले कौन लगते हैं तुम्हारे। उनकी ऐसी प्रेममय सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मन ही मन मुस्कुराई। तिनहिं बिलो की बिलो कति धरनी, दुह सकोच सकुचति बर बरनी। सकुचि स प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिख बयनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों ओर से संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सकुचा कर प्रेम सहित मधुर वचन बोली। अब पति का नाम नहीं ले सकती है तो सीता जी ने बताना शुरू किया, तो कैसे शुरू किया? पहले लक्ष्मण जी के बारे में बताया। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नाम लखन लघु देवर मोरे। बहुरी बदन विधुअंचल ढाकी, पियतन चितई भौह करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है, ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके, खंजन मंजु तिरी छे नैननी, निज पति कहे उति नहीं सिय सैननी। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रंकन राय रास जन लूटी। खंजर पक्षी के ऐसे सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा, ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। मुंह से नहीं कहा, इशारे से बस कहा कि ये मेरे वो है। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार आनंदित हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हो। अति सप्रेम सी पाए परी, बहु विधि दे से, सदा सुहागिनी हो तुम जब लगी मही अहिसी से। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती, शुभकामना करती कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती संपति प्रिय हो, देवी न हम पर छाड़ब छो। पुनि पुनि विनय करी कर जोरी, जो एही मारग फिरी बहोरी। और पार्वती जी के समान अपने पति की प्यारी हो, हे देवी हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं, जिसमें आप फिर इसी रास्ते से ही लौटें। दर्शन देव जानी निज दासी, लखी सी ये सब प्रेम पियासी। मधुर बचन कही कही परितोषी, जनु कुमुदिनी कौमुदी पोषी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता जी ने उन सबको प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कह कर उनका भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया। तब ही लखन रघुबर रुख जानी,
पूछे मगु लोग मृदुबानी सुनत नारी नर भय दुखारी पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। यह सुनते ही स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। कोई नहीं चाहता कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी कहीं जाए, उनको लगता है कि बस ये यहीं बैठे रहे, हम इनको ऐसे ही देखते रहे। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने मार्ग पूछा आगे चलने के लिए, तो सबके हृदय में शोक छा गया, संताप छा गया, सब वियोग को देखकर दुखी हो रहे। अभी वियोग हुआ नहीं, वियोग को भविष्य में देखकर दुखी होने लगे और आंखों में प्रेमाशु भर आए। मिटा मोद मन भय मलीने, विधि निधि दीन लेत जन छीने, समुझ करम गति धीरज कीना, सोधि सुगम मगु तिन कहि दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता दी हुई संपत्ति छीन लेता। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब गबनु कीन रघुनाथ, तेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही ले चले प्रभु। सबके मन प्रभु के चरणों में लग गए और प्रभु के साथ ही चल दिए, सिर्फ शरीर ही उनके गांव में रहे। फिरत नारी नर अति पछिताही, दई नहीं दोष देहि मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं, विधि कर तब उलटे सब अहीं। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन दैव को दोष देते हैं, परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे। निपट निरंकुश निठुर निसंकु, जहि शशि कीन सरुज सकलंकु, रूख कलप तरु सागर उखारा, तहि पठए बनराज कुमारा। यह विधाता बिल्कुल निरंकुश, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जौंपे इनहि दीन बन वासु, कीन बाधि विधि भोग बिलासु, ए बिचरहि मग बिनु पद त्राना, रचे बाधि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थ ही बना, जब ये बिना जूते के नंगे ही पैरों रास्ते में चल रहे हैं तब विधाता अनेकों वाहन सवारियां व्यर्थ ही रचे विधाता ने। तो कह रहे हैं सबकी जगत के सारे सुख सारे आराम बेकार है। अगर वो भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी को नहीं मिल रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने उन्हें बेकार ही रचा है। ए मही पर ही दासी कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता, करु बर बासी नहीं विधि दीना, धवल धाम रचि रचि श्रम कीना। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं तो विधाता सुंदर सेज पलंग और बिछौने किस लिए बनाता है। विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उसने व्यर्थ ही परिश्रम किया। जौ ए मुनि पट धर जटिल सुंदर सुठी सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन बाद किए करतार। जो ये सुंदर अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के बलकल वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं तो फिर करतार विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए। जौ ए कंद मूल फल खाही, बादि सुधाधि असन जग माही, एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही है। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर है, इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है, ये अपने आप प्रकट हुए, ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है ये।
जह लगी वेद कही विधि करनी श्रवण नयन मन गोचर बरनी देखहु खोजी भुवन दस चारी कहयस पुरुष कहयस नारी। हमारे कानों नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहां तक वेदों ने वर्णन करके कहा है वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देख ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहां है, कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग है और अपनी महिमा से ही अपने आप निर्मित हुए हैं। इनहि देखी विधि मनु अनुरागा पटतर जोग बनावे लागा किन बहुत समय न आए तही ऋषा बनयानी दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त मुग्ध हो गया और तब वह भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष इनके जैसे बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई उसकी अटकल में ही नहीं आए, पूरे नहीं उतरे। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया कि कोई देख ना पाए। एक कहीं हम बहुत न जानहिं आप ही परम धन्य करिमानहिं ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे जे देखहिं देखी हई जिन देखे। कोई ये कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते जो इनके दर्शन कर रहे हैं और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एही विधि कही कही बचन प्रिय ले ही नैन भरी नीरे किमि चली हही मार्ग अगम सुठी सुकुमार शरीरे। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम कठिन मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही चकई साज समय जन सोही विदु पद कमल कठिन मगु जानी गहबरी हृदय कहि बरवानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सोह रही हो, दुखी हो रही। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। पर सत मृदुल चरण अरुनारे सकुचति मही जिमि हृदय हमारे जो जगदीश नहीं बनु दीना कस न सुमन मैं मारग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। तो गांव की स्त्रियां कह रही हैं कि इनके इतने कोमल इतने सुंदर चरण हैं कि धरती भी इनको छूते हुए सकुचाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा जाते हैं। तो अगर विधाता ने इनको इन मार्ग पे चलने का बनाया है कि चलो चलना ही होगा तो कम से कम इतना तो करता कि सारे मार्ग पे फूल बिछा देता इनके चरणों कोमल चरणों के। जो मांगा पाई विधि पाही हे रखी से किया किन माही जे नर नारी नय अवसर आए तिरसिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो हे सखी हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों में ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे श्री सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई अब लगी गए कहां लगी भाई समरथ धाई बिलो कही जाई प्रमुदित फिरहि जन्म फल पाए। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहां तक गए हो। तो जो लोग नहीं देख पाए जिन्होंने सुना कि इतने सुंदर दो राजकुमार और माता सीता जी अभी अभी गई हैं और उन्होंने नहीं देखा तो सबसे पूछते हैं कि कितनी दूर गए होंगे और फिर भाग कर जाते हैं और दर्शन करके प्रसन्न मन से फिर लौट आते हैं। और जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन कर्मी जही पछताही होही प्रेम बस लोगेमी राम जहां जह जाही। गर्भवती प्रसूता आदि अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने से हाथ बलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहां जहां श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं।
गाँव गाँव अस होई अनंदु, देखी भान कुल कैरव चंदु, जे कछु समाचार सुनि पावहिं, तेरे परानी दोष लगावहिं। सूर्य कुल रूपी कुमुदिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं, वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते। कहा ये कि अति भल नर नाहु, दीन हमहि जोई लोचन लाव, कहि परस पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया, स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए, धन्य सुदेशु सैलु बन गाँव, जह जह जाहि धन्य सुइठाओ। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायौ बिरंचि रचिते ही, एजहि के सब भांति स्नेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही है। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत, जाहि चले देखत विपिन सिए सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहूं छवि जसी मन बसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई, उपमा बहुरी कहूं जिय जोही, जनु बुध विधु बिच रोही निसोही। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सोह रही। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरति चरण मग चलती सभीता, सिए राम पद अंक बराए, लखन चलहि मगु दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए, इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री रामचंद्र जी के दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिनी ओर रखकर रास्ता चल रहे। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कहि जाय, खग मृग मगन देखि छवि होहि, लिए चोरी चित राम बटोहि। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वे कैसी कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु अनंदु तेई, बिनु शम रहे सिराई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा, उन्होंने भव का आगम मार्ग, जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासूर सपने हुकाओ, बसहु लखन सिए राम बटाओ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटो ही आ बसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा, जिस मार्ग को कभी
कोई बिरले ही मुनि पाते। तब रघुवीर समित सिय जानी, देखि निकट बटु शीतल पानी। तब सिकंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराय। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बास सुहावन, सुंदर गिर कानन जल पावन। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, बिरहित बैर मुदित मन चरहि। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। और आश्रम बहुत ही सुंदर दिख रहा है प्रभु को। तो सुचि सुंदर आश्रम मुनि रखी, हर्षे राजीव नैन। सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयउ नैन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र वर दीना। देखि राम छवि नयन जुड़ाने, करिसन मानु आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया, विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनि बरे अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मगाए। से सौमित्री राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आन दुभारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिमि तुम्हरे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी, जही जही बात दीन बनुरान। हे मुनिनाथ, आप त्रिकाल दर्शी, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातु हित, भाई भरत अस राओ। मो कहु दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। मंगल भवन अमंगल हारी, रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। और इस प्रकार आज का यह पाठ यही समाप्त होता है। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में रुके हुए हैं। कल वाल्मीकि जी से आज्ञा लेकर प्रभु आगे चलेंगे और चित्रकूट
कल पहुंचेंगे प्रभु। आप सबने सुना होगा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। बड़ी ही सुंदर कथा है कि भगवान तुलसीदास जी हनुमान जी महाराज जो जिनको उन्होंने गुरु माना है उनसे विनती करते हैं कि प्रभु के एक बार मैं दर्शन करना चाहता हूं। तो बजरंग बली कृपालु है, भगवान राम का प्रेमी जानकर तुलसीदास जी महाराज को चार बार उन्होंने बताया कि किस तरह से प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। चारों बार तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पाते। फिर पांचवी बार हनुमान जी ने उनको कहा प्रभु चित्रकूट आ रहे हैं, आप वहां घाट पर बैठ जाइएगा, चंदन घिसिएगा और प्रभु आए तो पहचान जाइएगा इस पर। तो तुलसीदास जी पहुंच गए घाट पर, चंदन घिस रहे थे, लोग आ जा रहे थे। तो चंदन कोई साधु घिस रहा हो तो लोग श्रद्धावश कहते हैं कि बाबा हमें चंदन लगा। तो दो छोटे राजकुमार आए, तुलसीदास जी चंदन घिसने में लगे हुए थे। दोनों राजकुमारों ने कहा कि बाबा हमें चंदन लगा दीजिए, हमें तिलक लगा दीजिए। तुलसीदास जी का मन बड़ा खिन्न था कि कहीं आज भी प्रभु के दर्शन से मैं वंचित न रह जाऊं, कहीं आज भी न पहचानने में भूल हो जाए। तो थोड़ा मन से खिन्न थे कि चार बार मैं मिस कर गया हूं, पांचवी बार मिस नहीं होना चाहिए। तो उनको लगता है कि लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इधर उधर देखते हैं कि परेशान हो रहे हैं। और दो राजकुमार बड़े प्यार से बाबा से मांग रहे हैं कि तिलक कर दीजिए। बजरंग बली ने देख लिया कि आज फिर तुलसीदास जी प्रभु को पहचान नहीं पाएंगे, मिस कर जाएंगे। तो उन्होंने एक तोते का रूप लिया और तोते के रूप में आकर वहीं तुलसीदास जी के पास बैठ गए और मुख से ये वचन कहे के चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और जैसे ही उन्होंने कहा तिलक करे रघुवीर, तुलसीदास जी ने प्रभु को पहचान लिया, प्रणाम किया। ये कथा है। तो प्रभु कल चित्रकूट पहुंचेंगे। आप सब अपना खूब ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रभु की कृपा हम सब पर हमारे जीवन में सदैव बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, सहित जही जपत पुरारी। जय श्री राम।
अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा।